आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव छिरावली पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 10 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 10 किलोमीटर है। 1300 वोट और 3000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती नीलम चौधरी के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान नीलम चौधरी और सचिव कुलदीप के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कार्य कराया गया है। चार वर्ष में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के ग्राम पंचायत छिरावली में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में अब तक करवा दिए हैं? गांव में स्कूल में जो काम हुआ है जी, ये जो भी है जो समझे के होंगे, जो बच्चों को पैसों का ना हो जी, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। सारे इंतजामों की सुविधाओं के लिए किए गए गाँव में सीसी टाइल्स कार्य वगैरह, काफी रोड है ढलवाई है, काफी हद तक गांव की सड़कें पक्की हो चुकी हैं। जो अपने स्तर से मिलाए हैं जी, जो बाहर से भी हमें सहयोग मिला जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सबके सहयोग से ओडीए हो गई ग्राम पंचायत। हाँ, ओडीए हो गई। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास नहीं मिले, आवास जो 2011 का सर्वे था उसमें कोई आवास नहीं चला। क्या परिवार यहाँ अभी हैं ऐसे जिन्हें आवासों की जरूरत है? कितने परिवार लगभग होंगे? उसकी सूची बोला प्रस्ताव कर रहा था मैंने जी, उनके बुला करके जी जी, और जिससे सुविधा जरूरत थी जी उसका नाम ले दिया गया जी। यहाँ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बने हैं सभी के? वो सब मिले। राशन वितरण में तो किसी तरह की समस्या यहाँ सामने नहीं है? जैसा था वैसा था, तो जो पंच मशीन है मतलब यहाँ जनता संतुष्ट है, इससे कोई परेशानी यहाँ जागरूक है जनता जी। शहर के दौरे का गांव है। केंद्र सरकार जैसे जो योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए चलाई है, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ आपकी ग्राम पंचायत में सभी को मिला? बिल्कुल मिल जाए, जो 10% लाभ मिला है किसान जिनों के रजिस्ट्रेशन हो गए और कुछ रह गए वंचित भी है इससे, सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? पंचायत घर है, बारात घर नहीं है, बारात घर नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है? हाँ, तो आपने कभी इनके निर्माण के लिए? हाँ, मैंने प्रस्ताव भी करा है, इसका भेजा भी है। ये ग्राम समाज की जगह है? हाँ, जगह है। तो प्रस्ताव में कोई स्वीकृति अभी तक नहीं? अभी सुबह से कुछ नहीं जी। अब यहाँ पर अपने गांव में इसे और ज्यादा विकसित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सरकार से क्या प्रमुख मांग आप रखना चाहते हैं? ये कह रहे हैं जैसे आंगनबाड़ी है जी, वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। और धन जिस हिसाब से धन आता है उस हिसाब से काम हो जी। अब जैसे स्कूलों में काम हुआ जी जी, पैसा लगा दिया जी गांव के विकास में, वहाँ पर संतुलन बनाने में समस्या आई है। धनराशि यहाँ अगर पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिले तो गांव का विकास काफी हद तक और ज्यादा हो जाए। छोटी ग्राम पंचायत है जी, उस हिसाब से थोड़ा धन बना जी। और कोई समस्या यहाँ गांव में ऐसी सामने आती है? ऐसी कोई विशेष समस्या गाँव में सब बड़े मांग से मिला जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन चार सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, खरंजा, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास यहाँ लोगों को नहीं मिले हैं, शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, प्रधान जी ने उनके लिए यहाँ खासतौर से मांग रखी है। इसके अलावा यहाँ स्कूल पर भी काफी सौंदर्यकरण का काम करवाया गया है। कुछ समस्याएं यहाँ अभी मौजूद हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन या आंगनबाड़ी केंद्र तक यहाँ पर अभी निर्मित नहीं है, जिसके लिए प्रधान यहाँ विशेष रूप से मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मनाजरीन।